जनपद उधम सिंह नगर के दो अलग अलग थाना क्षेत्रों में दो लोगों के द्वारा फांसी लगाकर खुदकुशी करने का मामला सामने आया है। बता दें कि पहला मामला ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र का है, जहां पर एक महिला के द्वारा अपने किराए के मकान में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली गई। तो वहीं दूसरा मामला पंतनगर थाना क्षेत्र के नकला का है, जहां एक 19 वर्षीय युवक करण के द्वारा अपने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी की गई है। सूचना मिलते ही पुलिस ने दोनों जगह पर मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। रुद्रपुर से मुकेश मंडल की रिपोर्ट। क्योंकि आज सुबह सूचना प्राप्त हुई कि व्यक्ति हैं सोनेलाल, जो मूलतः कटिहार बिहार के रहने वाले हैं। कुछ दिन पहले ही अपनी पत्नी, उनका नाम शारदा है, उसके साथ हरियाणा से आए। इनके चार बच्चे हैं और महिला की उम्र करीब 30 वर्ष है। आज सुबह जब 4 बजे बागी सोनेलाल उठे तो उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी ने सुबह छत पर फांसी लगा ली। बॉडी को परिवार द्वारा ही उतार लिया गया था, पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और बॉडी को हॉस्पिटल लेके जाया गया। पंचायतनामा की जो कार्रवाई है वो हो चुकी है और अभी पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है।